एक बच्चे ने सवाल पूछा, मैं घर में अकेला हूँ तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ? मेरे माता पिता हैं और बहन हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मैं पढ़ाई कैसे करूँ? कृपया करके इसका उत्तर बताएं कि मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप घर में अकेले हैं तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं और साथ में जो जिम्मेदारियाँ उनको निभाते हुए परिवार की हेल्प करते हुए आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आज उसको हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए जो पहला काम आप कर सकते हैं, आपका जो डेली का रूटीन है उसे सेट करें। तो क्रिएट अ डेली रूटीन, इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी पढ़ाई का समय है उसको आपको अपने दिन को एक निश्चित टाइम पर सेट करें, जिसमें पढ़ाई के लिए विशेष समय निर्धारित करें। एक नियमित दिनचर्या बनाना आपको हैबिट बनाने में हेल्प करेगी और आपको पढ़ाई के लिए समय निकालने में सहायता प्रदान करेगी। दूसरा, आप कर सकते हैं एक पढ़ाई का स्थान निश्चित करें। अपने घर में एक ऐसा स्थान चुन लें जहां आपको शांति मिले और ध्यान लग सके। यह स्थान सुखद और सुविधाजनक होना चाहिए, जिससे आपका पढ़ाई करने में ध्यान लग सके, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सके, जहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ ना हो। तीसरा, आप कर सकते हैं गोल सेट करें। अपनी पढ़ाई के लिए विशेष गोल सेट करें। यह लक्ष्य या गोल आपको प्रेरित करेगा। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहें। तीसरा, आप कर सकते हैं जो भी आपके जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके काम हैं, उन सबको एक कागज़ पर लिख लें, डेली का लिख लें कि कल मुझे क्या क्या करना है, किस समय पढ़ना है, किस समय क्या करना है। आपके पास जिम्मेदारियों का भार ज़्यादा होने के कारण समय व्यवस्था महत्वपूर्ण है। एक दिन की शुरुआत एक कागज़ पर सूची बनाकर करें, जिसमें पढ़ाई के लिए समय, बाकी अन्य कामों के लिए समय, खाने का समय, आराम करने का समय और आपके इंटरेस्ट के अनुसार जो भी आपके खाली समय बचे उसको समय दें और वो आप पहले मॉर्निंग में नोट कर लें, उसके लिए एक डायरी बना लें। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता से पढ़ें। यदि आप अपने घर में हैं तो आपके पास स्वतंत्रता है, या आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, आप अपने खुद के कमरे में बिल्कुल अकेले हो, बालकनी में बैठ सकते हो, चुपचाप जगह पर बैठकर पढ़ सकते हो, जो आपके लिए सबसे अधिक आरामदायक हो उस जगह पर बैठकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं को कम करें। जब आप अकेले होते हो ना तो आपके पास टाइम तो बहुत होता है, कम चीज़ें होंगी तो आपका ध्यान कम भटकेगा, वो आपके आसपास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। तो कोशिश करें कि आपकी पास कम चीज़ें हो जो जिससे आपका ध्यान ना भटके। जिस टेबल कुर्सी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर कॉपी किताब के अलावा अन्य चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको हमने जाना है, और इनको आप अगर फॉलो करोगे तो आपके पास कितनी भी जिम्मेदारियाँ हो, आप जिम्मेदारी में रहते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो। आप कभी ये शिकायत नहीं करोगे, सर मैं घर में अकेला हूँ। एक अकेला व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकता है, वो करते हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो आपको तो एक मौका है कि दुनिया को बताना है कि मैं अकेले होते हुए मैंने क्या कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो आपके कोई फ्रेंड्स अकेले हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।